तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फिल्म लफ्ज़ों का प्यार रिलीज हो रही है 4th August को, उस सिलसिले में है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक यानी राइटर एंड डायरेक्टर हैं मिस्टर धीरज मिश्रा, और इसे प्रोड्यूस किया है मिस्टर अशोक साहनी जी ने, और उन्होंने ही लिरिक्स लिखा। आपके सामने इस वक्त हम जो बैठे हैं उसमें फिल्म के हीरो हैं मिस्टर विवेक मिश्रा, फिल्म की हीरोइन है कंचन राजपूत, और फिल्म को म्यूजिक से सजाया है मिस्टर काबुल बुखारी। मैं ललित पारी हूँ, इसमें इस लड़के का फादर प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म में जरीना वहाब जी हैं, अनिता राज है, मीर सरवर है, और भी इम्पोर्टेंट रोल्स में अलग अलग एक्टर्स हैं। तो कहानी बेसिकली लफ्ज़ों का प्यार, जैसा नाम बताता है, मोहब्बत की कहानी, प्यार की कहानी, लफ्ज़ों में प्यार, फिल्म लफ्ज़ों में प्यार, मोहब्बत की कहानी है, रोमांस की कहानी है, एक लड़का लड़की के प्रेम की कहानी है। और लड़के का अपने फादर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है शुरू में। फादर, जैसा कि अक्सर घरों में होता है, कि चाहता है कि बेटा सही रास्ते पर चले, फादर का बिजनेस है तो बिजनेस को संभाले, नहीं तो कामकाज में लग जाए, पर बेटे का शौक है गीत और संगीत, तो इस वजह से फादर उसे, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं और कहता है कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं। लड़के की एक अलग जद्दोजहद शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू होता है, और वो म्यूज़िक की दुनिया में कुछ करना चाहता है, और इस पूरी जर्नी में उसका प्रेम भी होता है, प्रेम में उतार चढ़ाव भी है, उसके गाने बनते हैं, और अंत में वो कुछ सिद्ध करके अपने फादर से वापस मिलता है, अपने फैमिली में वापस रही होना। लेकिन इस दौरान बीच में बहुत कुछ होता है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। म्यूज़िक फिल्म की खूबी है, इसकी लिरिक्स, और फिल्म की खूबी है इसमें लोकेशंस, पहाड़, नदी, बादल, हरियाली, ये सब जो कश्मीर की खूबसूरती है वो सब है इसमें। रास्ता तो खुल गया, अच्छी बात यही है ना, रास्ता खुल गया। उसके अलावा फिल्म पॉलिसी भी शुरू हो गई है, मतलब पेपर को तो आ ही गया है। मैं जब लास्ट टाइम भी यहाँ आया था, शायद अभी से मिला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलावा मैं एक और फिल्म की शूटिंग के लिए आया था, और उस दौरान कश्मीर में 20 फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, 20 फिल्म एट ए टाइम, उस वक्त जगह नहीं मिल रही थी। तो यस, यू कैन से दैट कि कश्मीर का रुख कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा कश्मीर के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी जद्दोजहद करके फिल्में बना रहे हैं, यहाँ की लोकेशंस और यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के वर्कर्स का इस्तेमाल अपनी।